दिस इज ज्योतिका चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम होममेड घर पर नीम क्रीम किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इस क्रीम को लगाने से हमारे चेहरे पर जितने भी पिंपल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, एक्नी है, इन सबको रिमूव करने में यह क्रीम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप सभी को पता होगा कि नीम हमारे चेहरे के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम सीख लेते हैं कि हमें किस तरीके से इसको घर पर बनाना है। सो इसको बनाने के लिए सिंपली हमें सबसे पहले चाहिए होंगे कुछ नीम के पत्ते। इसको बनाने के लिए हमें नीम के फ्रेश पत्ते चाहिए होंगे। अगर आपके घर के आसपास कहीं नीम नहीं है तो आप नीम का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर हमें इस नीम के पत्तों को इस डंडी से अलग कर लेना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। एंड आपको जितना बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग ही नीम के पत्तों को अलग कर लीजिए। एंड एक बात ज़रूर याद रखिए कि हम जितने नीम के पत्ते निकालेंगे, ढेर सारे निकालेंगे, तो हमारी थोड़ी सी ही क्रीम बनेगी। आप देख सकते हैं, मैं आगे बताऊंगी आपको। एंड फिर हमें इस नीम के पत्तों को क्लीन वाटर से वॉश कर लेना है, क्योंकि नीम के पत्तों पर हो सकता है डस्ट हो, बहुत सी चीज़ें लगी हो। सो हमें पहले इनको वॉश करना है, क्योंकि हम इस क्रीम को अपने चेहरे पर अप्लाई करने वाले हैं। आप इसको अच्छी तरीके से धो लें। जिससे कि हमारे नीम के पत्तों में जितनी भी डस्ट हो वह अच्छी तरीके से निकल जाए। सो हमने हमारे पत्तों को अच्छी तरीके से धो लिया है। सो अब हमें इसको ग्राइंड करना होगा। हमें इन सारे पत्तों को मिक्सर में डाल देना है। मिक्सर की हेल्प से हमें इन सारे पत्तों को अच्छी तरीके से पीस लेना है। एंड फिर हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, जिससे कि हमारे जो नीम के पत्ते अच्छी तरीके से पीस जाएं। हमको इसको ग्राइंड कर लेना है। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये फाइन पेस्ट बन चुका है। हमें इस तरीके से ही पीसना है। एंड फिर हमें इस पेस्ट को एक बाउल में निकाल लेना है। आप थोड़ा सा पानी डालकर भी इसको अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। एंड फिर हमें इसको छन्नी की हेल्प से इस पेस्ट को अच्छी तरीके से छान लेना है। एंड इसके पानी को निकाल लेना है। हमें कम से कम एक बाउल, एक कटोरी पानी चाहिए, क्योंकि एक कटोरी पानी होने पर, मतलब नीम का पानी होने पर ही हमारी क्रीम थोड़ी सी ही बनेगी। अब आप देख सकते हैं कि हमने एक कटोरी पानी निकाल लिया है, मतलब जूस निकाल लिया है नीम का। एंड फिर हमें डबल वॉलेट की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से गर्म करना है, जिससे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और हमारी क्रीम अच्छी तरीके से बन जाए। एंड इसके अंदर जितना भी पानी है वे भाप बन के उठ जाए। हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको इसी तरीके से चलाते रहना है, जिससे कि ये थोड़ी देर में थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारी क्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। सो अब हम हमारी आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें इसमें ऐड करने के लिए चाहिए होगा एलोवेरा जेल। आप जितना बना रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। एंड आप चाहें तो इसमें फ्रेश एलोवेरा भी यूज कर सकते हैं, बट फ्रेश एलोवेरा यूज करने से हमारी क्रीम थोड़े दिन ही चलेगी। सो मैं इसमें यह एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। एंड फिर मैं इसमें ऐड करने के लिए चाहिए होगा ग्लिसरीन।
आप जितना बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ग्लिसरीन डाल दीजिए। मैं यहाँ पे एक चम्मच के करीबन ग्लिसरीन यूज कर रही हूँ। एंड फिर हमें इसमें ऐड करने के लिए चाहिए होगा विटामिन ई कैप्सूल। आप जितना बना रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग एक या दो कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि विटामिन ई हमारे चेहरे के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। एंड फिर हमें इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी क्रीम लगभग बनके तैयार हो चुकी है। एंड अब आप देख सकते हैं कि हमारी क्रीम बिल्कुल मार्केट जैसी क्रीम लग रही है। अब मैं आपको इस क्रीम को अपने हाथों पर अप्लाई करके दिखा देती हूँ। आपको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है एंड अगर आप चाहें तो अपने हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक मालिश करने के बाद हमें इसको लगा के सो जाना है। एंड फिर आप सुबह देखेंगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगी। एंड अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए तो आप किसी बाउल में या फिर कंटेनर में इसको स्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं। एंड अगर आप इसको सर्दियों में बना रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं क्योंकि सर्दियों में हमारा पूरा घर ठंडा ही रहता है। एंड अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।